सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस, जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा बोल मैं ले रही हूँ मैदा, जो कि लगभग रहेगा 400 ग्राम्स। फिर नमक, इटालियन सीजनिंग लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ईस्ट, यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आधा चम्मच चीनी और हाफ कप मैं ले रही हूँ तेल। अब स्टार्ट करते हैं हमारा डो। सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून। उसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच शक्कर, चीनी, और फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट, यहाँ पर मैंने लिया है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं एक फ्रॉथीनेस आता है, इसका मतलब है कि ईस्ट अभी एक्टिवेट हो चुका है। फिर मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, और डालेंगे हम इटालियन सीजनिंग। मैं मिक्स्ड हर्ब्स का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और उसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें मैदा, हल्के हाथ से एक बार मिला लेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है, और थोड़े हल्के गुनगुने पानी से हम इसे गून लेंगे। आटे को हमें चिकना गुनना है, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें, आपको गुनगुना पानी इस्तेमाल करना है इसके लिए। आप देख सकते हैं एक अच्छा चिकना आटा तैयार है, और इसे हमें लगातार गुनते जाना है। थोड़ा हम तेल बीच बीच में डालेंगे, इसे हमें लगातार अच्छे से गुनना है। जितना हम अच्छे से गुनेंगे उतना अच्छा पिज़्ज़ा बेस तैयार होगा। बीच बीच में अगर चिकनापन ज़्यादा लग रहा है, आप बीच बीच में थोड़ा सा हाथ में पानी या फिर थोड़ा सा ऑयल ले सकते हैं। अब मैं एक फ्लैट सरफेस में इसे रख के अच्छे से काफ़ी मिनट, एक 10 मिनट तक गुनूंगी। हमें एक बहुत ही सॉफ्ट डो चाहिए, जितना सॉफ्ट और जितने अच्छे से हम गुनेंगे, जितने बार गुनेंगे उतना अच्छा पिज़्ज़ा बेस बनेगा। बीच बीच में आप थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लगा सकते हैं या थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, इसे गुनने में आसानी पड़ेगी। अभी हमारा पिज़्ज़ा डो बिल्कुल अच्छे से गुन चुका है, अच्छा काफ़ी सॉफ्ट डो बन चुका है। हमने काफ़ी लगातार एक 10 मिनट इसे गुना है। अभी हम इसे रेस्ट करने रख देंगे एक बोल में। ऊपर से हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे इसमें, और इसे लगभग हमें एक घंटा, मिनिमम एक घंटा हमें इसे रेस्ट करने रखना है। एक घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूल चुका है, अच्छा फर्मेंट हो चुका है। इसे और हमें 5 मिनट और थोड़ा सा गुनना रहेगा। एक बहुत ही सॉफ्ट डो बना है ये अभी। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसके इक्वल 4 पार्ट्स बनाएंगे।
बहुत ही छोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा बड़ा आपको एक पोर्शन रखना है उसका, ताकि हम अच्छा एक पिज़्ज़ा बना सके उससे। इस तरह से पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके वैल्यूबल कमेंट्स भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।